आज मैं आ गया हूँ गोलकोंडा फोर्ट, और आपको पता है कि मैं हैदराबाद में हूँ, और जाहिर सी बात है हैदराबाद हो, और जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो देखे वो 4 मीनार में गया था, और आज आ गया हूँ गोलकोंडा। चलते हैं देखते हैं यहाँ का व्यू कैसा है, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ और इससे पहले मैं कभी नहीं आया। चलते हैं देखते हैं अंदर कैसा है और सब दिखाते हैं आपको भी, घुमाते हैं आपको भी। चलते हैं पहले टिकट लेते हैं, लेकिन आज काफ़ी भीड़ होने वाली है क्योंकि आज स्टूडेंट बहुत काफ़ी आए हुए हैं और इसकी वजह से आज भीड़ काफ़ी है। खैर चलते हैं, अभी मैं बस से भी उतरा हूँ और चलकर देखते हैं अंदर का व्यू कैसा है। पहले आ गया हूँ अंदर और टिकट भी ले लिया हूँ मैं, और टिकट का प्राइस है 25 रुपये। ये रहा टिकट, ये रहा अंदर का व्यू, अंदर यहाँ से एंट्री कर लिए हैं, और ये गेट है, उधर है टिकट काउंटर वहाँ पर सामने, और ठीक यहाँ से अब वहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। और ये गेट के सेफ्टी के लिए जो दिख रहे हो आप, ये गेट के सेफ्टी के लिए बनाया गया था ताकि कोई भी चीज़ डायरेक्ट गेट पे हमला ना कर सके, और ये उसके सेफ्टी के लिए बनाया गया था ताकि पहले इसके ऊपर हमला करना पड़ेगा तब जाके आपको गेट को तोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसको बनाया गया था। चलिए अंदर से चल के देखते हैं। पहले अंदर आ गया हूँ मैं, और ये जो भी मैं बाहर से दिखा रहा था ये वही गेट है, और ये रहा मेन गेट, इसी को सेफ्टी के लिए ये बनाया गया था। चलिए ऊपर से चल के देखते हैं। सिर्फ इस गेट के सेफ्टी के लिए सोचो इतना मोटा दीवार बनाया गया था, यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक, ताकि ये गेट सेफ रह सके, कोई भी जानवर, हाथी या फिर और भी कोई जो भी जंग में यूज होते हैं या फिर जो भी सेना होते हैं वो डायरेक्ट इसमें जाकर हमला ना कर सके। फाइनली अंदर आ गया हूँ मैं, और आपको दिखाता हूँ मुर्दा, जैसे कि पहले ज़माने में जो भी जिसकी मृत्यु हो जाते थे उनको नहाने का जगह, आपको दिखाता हूँ, रुको। ये वो वहाँ पर आपको गड्ढा दिख रहा होगा, अभी ये बंद है, इसको बंद कर दिया गया है, बाकी आपको वहाँ गड्ढा दिख रहा होगा, उसमें पानी को गर्म किया जाता था या फिर ठंडा पानी अंदर भी है बहुत सारी, इसमें मुर्दों को उस समय नहलाया जाता था। इसके अंदर नहीं जा सकते, ये तो आपको अंदर जाकर दिखा था मैं आपको पूरा अंदर, थोड़ा जंगल नहीं गया था, गड्ढे आपको दिख रहे होंगे, उसमें पानी नहलाया जाता था, बाकी इधर भी है। ज़माने में करीब ये महल जो था 1400 ईस्वी में पहले बनाया गया था, तो उस ज़माने में टेलीफोन नहीं हुआ करता था, तो टेलीफोन का सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उस ज़माने में कैसे टेलीफोन से नहीं, लेकिन यहाँ पर इशारों से कैसे बातें होती थी आपको मैं वो जादू कला दिखाता हूँ, अभी कुछ लोग कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो भी खड़ा है ना बंदा, ये नीचे देखो, नीचे ये पत्थर बीच में सेंटर वाला, ये यहाँ पर खड़े होकर, ये सेंटर में खड़े होकर के आप कुछ भी आवाज़ करोगे तो सीधा आवाज़ जाता था पूरा वहाँ पर, वो राजा का महल है वहाँ पर, वहाँ राजा रहते थे, यहाँ से भी आवाज़ जाती थी पूरा वहाँ तक, अगर वहाँ से हट के साइड में अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि ये इको सिस्टम बनाया गया था। और जो आपको होल दिख रहे हैं वो आपको 6 दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 इधर साइड, फिर इधर 6, फिर इधर 6 और फिर इधर भी 6, इधर पूरे बनाए गए थे, और उसके द्वारा पूरा यहाँ से जो आवाज़ है वो पूरा इको करता था और राजा के महल तक आवाज़ जाती थी पूरा यहाँ से। अगर आप इस सेंटर में खड़े होकर के कुछ भी आवाज़ करोगे बोलोगे तो वहाँ तक आवाज़ आएगा, और यहाँ से खड़े होकर बोलोगे तो वहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगा। अभी यहाँ से देखते हैं, मैं ट्राई कर, चुटकी ताली तो नहीं बजा सकता लेकिन क्लैप भी नहीं कर सकता, फिर भी करता हूँ क्लैप करने पर जाएगा, चुटकी सा नहीं जाएगा, मैं अकेला हूँ, फोन कोई पकड़ने वाला है नहीं, स्टैंड था मेरे पास, सोचा स्टैंड से लेकर के वीडियो बनाऊँगा, लेकिन बाहर स्टैंड रख लिए। बाकी इसका सिस्टम यही है, और आप वहाँ से करेंगे तो आवाज़ जाएगा, साइड में अगर करेंगे तो आवाज़ नहीं जाएगा। ठीक है चलते हैं आगे। ठीक वहाँ टेलीफोन से जैसे ऊपर आओगे तब से आपको मिलेगा यहाँ पर ये आपका तोप, ये तोप जो है ये रानी विक्टोरिया ने दिया था, और आपको यहाँ पर डेट दिखाएंगे हम, आप देख देख सकते हो 1873 उस समय यहाँ के जो भी राजा थे उनको दिए थे। और यहाँ पे आप सेप देख सकते हो, ये बिल्कुल हीरे का सेप है, और उस समय इसको दिया गया था गिफ्ट के तौर पर। यहाँ पर गोलकुंडे में क्या क्या है आपको बताता हूँ, नगीना बाग है, और ये सारी चीज़ें हैं
ये आपको मैं सारा चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पर नगीना बाग भी, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। अंदर आए हैं, अंदर चल के देखते हैं। और यहाँ से खड़ा होकर देखने में इतना बड़ा ये किला लग रहा है, करीब ये 4 या 5 किलोमीटर के रेंज में ये पूरा किला बना हुआ है। बहुत बड़ा किला है ये, और घूमने में तो भाई पूरा शाम लग जाएगा। लेकिन चलते हैं अंदर देखते हैं, और मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। आप ये सामने देख रहे होंगे, ये 3 मंजिले का उस समय बनाया गया था इसको, और ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी यहाँ पर सेना थे उस समय क्या, वो उस समय इसका यूज कर सके, इसमें रह सके, और इसमें जो भी सामान अपना गोला बारूद तोप वगैरह जो भी मतलब लड़ाई की सामानें थी, जंग की सामानें थी, वो इसके अंदर रख सके, इसलिए इसको बनाया गया था। और आप देख सकते हो ये किला। रास्ते से जाते हैं, और ताकि इस रास्ते से आ सके, इधर से निकलते हैं, उधर से आएंगे, और देखते हैं कितना बड़ा किला है, और आपको भी घुमाते हैं और नई नई चीज़ें जगह दिखाते हैं आपको। उस ज़माने में यहाँ पर जो भी सेना हुआ करते थे, जो भी जंग के लिए लड़ते थे, उनको यहाँ पर नौकरी कैसे मिलती थी, काम कैसे मिलता था, चलो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। उस समय ना कोई पेपर ना कोई इम्तिहान देना पड़ता था, वो सिर्फ बस एक वेट का सामान उठा करके पास हो जाना पड़ता था और नौकरी ज्वाइन कर लेनी पड़ती थी। वो दिखाता हूँ आपको, ये वही है, ये करीब 200 केजी का है, शायद 250 केजी से कम ही है भाई। मैं इसको उठा तो नहीं सकता, लेकिन हिला कर ट्राई जरूर करूँगा। मैंने उठाने की भी ट्राई की लेकिन उठा नहीं, लेकिन उसको एक जगह से हिला तो दिया उसको। खैर थोड़ा महसूस हो रहा है कि हाँ थोड़ी बहुत ताकत है मेरे अंदर भी। खैर चलते हैं आगे और दूसरी जगह देखते हैं। तो ये वही था जिससे उस समय ज़माने के जो भी यहाँ पर जंग में लड़ते थे उनके लिए एक ये परीक्षा हुआ करती थी, और आमतौर पर आज के डेट में बहुत कम ही है, 90% चांस है कि उठा नहीं पाएगा। और है ऐसी बात नहीं, आज के दौर में भी ताकतवर लोग हैं। इस समय सलमान खान की जो मूवी शूटिंग हुई थी वांटेड की, वो इधर ही शूटिंग हुई थी, और तेरे नाम की जो मूवी शूटिंग हुई थी वो इधर ही हुई थी। तो तेरे नाम की शूटिंग हुई थी वो यहाँ पर हुई थी, चलो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। और जब शूटिंग के दौरान सलमान खान भी यहाँ आया था ना, तो वो भी इसको उठा नहीं पाया था। काम नहीं है भाई, वो उस ज़माने का ताकत का है। चलते हैं आगे देखते हैं, और मैं आपको शूटिंग की जगह दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसा ही है सीन, आप देख सकते हो उस मूवी में भी, ये वही सीन है जहाँ शूट किया गया था। उस जमाने में यहाँ पर हीरो का व्यापार हुआ करता था, हीरा मालूम, कोहिनूर हीरा जो अंग्रेज लोग लेकर चले गए, वो उस समय यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। और नगीना बाग सामने, ठीक वहाँ पर नगीना बाग है, और यहाँ पर भी जो भी विदेशों से व्यापारी आते थे वो इधर ही अपने हीरो का व्यापार करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई जब हीरो का व्यापार कर रहा है तो चोरी कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं, चोरियाँ नहीं होती थी यहाँ पर, और बहुत ही आराम से अच्छे से तरीके से यहाँ पर व्यापार होता था। और दूसरी बात, जो भी व्यापारी आते थे वो इधर ही रहते थे, और यहीं पर रह करके, वो साइड में मैं आपको दिखाऊंगा उस जगह को, और यहीं पर रह करके वो अपना व्यापार करते थे हीरो का। और कोहिनूर हीरा भी यहीं पाया गया था। ये रहा नगीना बाग, ये उस समय नगीना बाग इसको कहा जाता था। बाकी खूबसूरत पार्क है ये, सोचो काश एक दो हीरा इधर ही छुपा होता, हमें मिल जाता, किसी चीज़ की टेंशन ही ना होती। इस किले को 14वीं शताब्दी में
इस किले को निर्माण कराया गया था, वारंगल के राजा ने करवाया था। फिर उसके बाद 1512 ईस्वी में बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और उस समय इस जगह का नाम मोहम्मद नगर रख दिया गया। फिर 1687 में इसे औरंगजेब ने भी जीत लिया। ऐसे ऐसे मतलब किसी किसी के हाथ में ये चला गया। फिर उसके बाद से ये जो किला है, इस किले को ग्रेनाइट की जो पहाड़ है उसके ऊपर ये किले को बनाया गया था और इसमें टोटल 8 दरवाजे हैं जो भी मेन मेन गेट हैं। एक अभी बाहर आप लोग देखे होंगे और दूसरा वहाँ है और बाकी और होंगे अंदर, बाकी वो हम चल के दिखाएंगे आपको। और आखिरी जब ये सब ख़त्म हो गया तो आखिरी इसके सुल्तान रहे अबुल हसन। इस किले का आखिरी सुल्तान थे अबुल हसन। बाकी ब्यूटीफुल है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट आए हुए हैं इस जगह को टूर करने के लिए, घूमने के लिए। ऐसी ऐसी जगहों पे स्कूलों को भेजना चाहिए ताकि जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका माइंड थोड़ा सा अलग लेवल पे जाता है और थोड़ा सा स्कूल में इंजॉयमेंट आती है बच्चों के अंदर, थोड़ा सा वो होता है कि हाँ हम यहाँ पर टूर गए थे, घूमने के लिए गए थे। बाकी ऐसा होना चाहिए हर स्कूलों में और बहुत काफ़ी स्टूडेंट हैं जैसे कि हमने देखा होगा, बाहर में देखा था भाई बहुत लंबी लाइन लगी थी स्टूडेंट की। ठीक मेन गेट से जब आप एंट्री करेंगे तो आपको ये वाला रास्ता मिलेगा आपको यहाँ से। ये जो विकलांग हैं उनके लिए है और ये पैदल चल सकते हो, किसी भी चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये वो जगह है, बाकी काफ़ी लंबी है, वहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक है। और ये आपको मैं दिखाने के लिए लाया हूँ इसलिए कि इसमें जो भी उस समय सेना होना, जो भी सेना थे या फिर जो भी व्यापारी के लिए थे वो यहाँ पर रहते थे। आप देख सकते हो पूरा गुफा की तरह दिख रहा है और वांटेड मूवी की शूटिंग भी यही हुई थी। ये जो किले का ऊपरी हिस्सा है और आप देख सकते हो ये इतना बड़ा पहाड़, सिर्फ ये दो नीचे छोटे छोटे पत्थर हैं उसके ऊपर ये रुका हुआ है और ऊपर किला बना हुआ है। हम थोड़ा पास जाकर देखने की कोशिश करते हैं, अगर रास्ता होगा तो बिल्कुल जाएंगे वहाँ तक। रास्ता तो है, गुफा टाइप का है यार अंदर। ओ भाई ऐसे गिरा ही होता नीचे तक। बाकी अंदर कुछ नहीं है, बस जो है यहीं तक है। पहाड़ गिर गया तो लाश भी नहीं मिलेगी मेरी यहाँ पे, बस यहीं तक है, बंद है। और इन्हीं छोटे छोटे पहाड़ों पर, पत्थरों पर ये जो बड़ा मेरे, ये जो बड़ा सबसे बड़ा मेरे छत ऊपर है ये पहाड़, ये इन्हीं छोटे छोटे पत्थरों पर रुका हुआ है। गिर गया तो सापट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा पूरा मेरा। चलते हैं बाहर। बाकी देख लो ज़्यादा कोई खास बड़ा नहीं है, छोटा छोटा पहाड़ है और इस साइड का भी छोटे छोटे हैं। वहाँ तक वो देखो और वो देखो, ये सब कटे हुए हैं मतलब टुकड़े में है। ये थोड़ा सा बड़ा है और वो सब जितने हैं टुकड़े में छोटे छोटे हैं और इन्हीं सब चीज़ों पर ये बड़ा पत्थर रुका हुआ है और इस पत्थर के ऊपर किला बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे इस पहाड़ पर ये किला बनाया गया है। ताकि चलते हैं दूसरी जगह।
आप पूरा किले का व्यू देख सकते हो। वो देखो वहाँ से दिख रहा होगा, वहाँ से पूरा ऐसे राउंडिंग में जा करके वहाँ तक किला है, वहाँ तक सामने से और पूरे पीछे तक, मतलब टोटल ये 4-5 किलोमीटर के रेंज में ये किला पूरा बना हुआ है। और बाकी आप हैदराबाद की सिटी देख ही रहे हो। और मैं आ गया हूँ सबसे ऊपर और आप मेरे पीछे देख रहे हो। और ये मस्जिद है, बंद हो गई है, नमाज नहीं होती यहाँ पर, ये टूरिस्ट के लिए छोड़ दिया गया है। और बाकी सब यहाँ आते हैं, घूमते हैं, ऐसे नमाज नहीं होती, मस्जिद को बंद कर दिया गया है। ये ऊपर आएंगे तो ये ऊपर के लिए बनाया गया है, सेना या फिर जो भी थे उस समय आराम के लिए बनाया गया है यहाँ पर। लेकिन कुछ भी कहो, मैं बाहर था जस्ट, धूप तो खैर निकला ही है, गर्मी हो रहा था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर आया मस्त एसी वाला काम करना शुरू हो गया। ठंडा है यहाँ पर, ये ठंडा इसलिए है, ये मिट्टी टाइप की बालू है जो वो उससे ये बनाया गया है। और ये काफ़ी मोटी है, आप देख सकते हो जो इसकी दीवारें हैं और जो ऊपर का छत है वो काफ़ी मोटा है। वहाँ पर देख के मालूम कर सकते हो आप, वो जो तीन निकला हुआ है उससे लेकर के ऊपर तक टॉप का उतना मोटा है। जाहिर सी बात है जब उतना मोटा कोई भी छत बनेगा तो नीचे ठंड ही रहेगा।